सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही एक खास वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भाइयों प्रीत एवेंजर सीरीज के 6549 ट्रैक्टर के बारे में। भाइयों बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल ट्रैक्टर है ये, जो इसकी डिजाइनिंग वगैरह है या फिर जो कुछ इसके ग्राफिक्स हैं, सारी कुछ चीजों को कंपनी ने यहाँ पर चेंज कर दिया है और इसके फीचर को भी कहीं ना कहीं वो और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो सारी कुछ चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करें, इसके बारे में भी बताएंगे कि इस ट्रैक्टर को आप किस प्राइस के अंदर खरीद सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस ट्रैक्टर के साथ आप क्या कुछ इम्प्लीमेंट चला सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वही वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो आप मिस ना कर पाए। पहले चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके लुक वाइज। तो मैं लुक आपको इसका दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्रीत की जो बैजिंग है ये क्रोम के साथ में दी गई है। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 6549 की जो बैजिंग है ये भी काफी डिफरेंट स्टाइल की और डिफरेंट लुक के साथ में यहाँ पर दे रखी है। फ्रंट से अगर बात करें तो फ्रंट में आप अगर देखते हैं इसके अंदर तो जो फ्रंट की हेडलाइट है ये आपको चकोर स्टाइल के साथ में ही मिलती है और हेलोजन टाइप के बल्ब के साथ में आती है ये। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर आपको फ्रंट में ये जाली मिलती है जो कि ब्लैक कलर की जाली है। और यहाँ पर प्रीत का जो लोगो है, जो बैजिंग है, वो यहाँ पर ये दे रखी है। और ये जो जाली है दोस्तों, ये फ्रंट से जो एयर है, एयर की कूलिंग को भी अंदर इंजन तक ले जाने का काम करती है। तो इससे जो कूलिंग है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी करता है ट्रैक्टर, लुक भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। फ्रंट से आप देखते हैं तो बिल्कुल एक एरोडायनामिक सा इसको शेप दिया गया है। पहले जो लुक आता था वो इस तरीके का इसका नहीं आता था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर आपको ये सार फिर एंटीना देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो जेरिकन वेट है वो यहाँ पर दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर जो बैजिंग है वो प्रीत की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये जो वेट है, एक प्लेट इसके अंदर 20 केजी की एक प्लेट लगाई गई है और टोटल इसके अंदर 6 प्लेटें लगी हुई हैं, यानी कि एक कुंटल लगभग 20 किलो के आसपास ये वेट है। और यहाँ पर पीछे भी आपको ये बम्पर टाइप मिल जाता है जिसके ऊपर ये फिटिंग कर रखा है। तो अराउंड इसके अंदर जो 2 क्विंटल वेट यहाँ पर फ्रंट में दे रखा है जिससे कि आपका ट्रैक्टर लिफ्ट ना हो। यहाँ पर अगर मैं इसके बात करूंगा इंजन की, ये दोस्तों आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं जो बोनेट इसके अंदर ये लगाया गया है, बिल्कुल सिंगल पीस बोनेट है। और ये जो बोनेट है ये हुड बोनेट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सिंगल गैस स्टड इसके अंदर लगी हुई है जिसके थ्रू इसका जो बोनेट है वो काफी इजिली ओपन हो जाता है, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पर ये आप लोग देख पा रहे होंगे 1 किलो यहाँ पर दे रखा है जिससे कि आप अपने बोनेट को काफी इजिली लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको मैं फ्रंट से दिखाता हूँ इसको, तो आप देखते हैं इसके अंदर जो एयर क्लीनर है ये आपको ड्राई टाइप का एयर क्लीनर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये इसका रेडिएटर दे रखा है। रेडिएटर इसके अंदर दोस्तों लोहे का रेडिएटर दिया गया है। बात अगर दोस्तों इसके इंजन की कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है 4 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है जो कि 65 हॉर्स पावर का दोस्तों ये इंजन है। इसकी अगर इंजन की सीसी की मैं बात करूं तो 4087 सीसी का इसके अंदर ये इंजन लगाया गया है। बोस के ही इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। 105 mm का इसका जो है बोर है और 118 mm का इसका जो है स्ट्रोक है इस इंजन का। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये इसके अंदर आपको कूलेंट के लिए अलग से कंटेनर देखने को मिल जाता है जो कि ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में आता है जिससे कि आपको बार बार जो है इसके अंदर कूलेंट वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो डुअल इसके अंदर डीजल फिल्टर आपको मिल जाते हैं। पीछे की तरफ वाटर सेपरेटर आपको मिल जाता है जो कि डीजल से पानी को अलग करने का दोस्तों ये काम करता है। और ये जो इंजन है इसके अंदर ये प्रॉपर 4 सिलेंडर का इंजन है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो बैजिंग है इसके ऊपर दे रखी है। ये जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, ये प्रीत का खुद का डिजाइन किया हुआ इंजन है दोस्तों।
और यहाँ पर आप लोग देखिए इसके अंदर ये जो पावर स्टीयरिंग है आपका इसके अंदर, इसके लिए अलग से एक कंटेनर लगा रखा है कंपनी ने, जिससे कि जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट रहे और पावर स्टीयरिंग की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक बनी रहे। यहाँ पर मैं आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग चार्ट भी दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर 2021 मॉडल का ये जो है मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी डेट है। बाकी इसके ऊपर SFC वगैरह दोस्तों मेंशन नहीं कर रखी है, तो ये चीज मैं आपको इसके ऊपर नहीं बता पाऊंगा। बात करेंगे दोस्तों इसके फ्रंट टायर की, तो इसके अंदर आपको जो आगे के टायर हैं वो 9/5/24 के देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर खासियत मैं आपको बताता हूँ, जो टायर है इसके अंदर ये काफी अच्छी कंपनी BKT के दे रखे हैं, जो कि आज के टाइम में मार्केट लीडिंग कंपनी है ये। यहाँ पर जो व्हील का कलर है आप लोग देखेंगे प्रॉपर ये व्हाइट कलर नहीं है, हल्का सा इसके अंदर येलो शेड आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग में आपको दिखाता हूँ जो स्टेयरिंग दे रखा है इसके अंदर, ये डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आपको दे रखा है, जिसके अंदर आपको दोनों तरफ रोड जाती हुई ये दिखती है, जिससे कि जो स्टेयरिंग है वो काफी अच्छे से वर्क करता है और इसकी जो लाइफ है वो भी लंबे समय तक बनी रहती है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो इसके अंदर सिस्टम लगा रखा है यहाँ पर, ये पूरी तरीके से सील्ड तो नहीं है लेकिन काफी हद तक ये सील्ड है। और यहाँ पर इसके अंदर आप ग्रेसिंग पॉइंट दे रखा है, जिसके थ्रू आप इसके अंदर ग्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं या करा सकते हैं। इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल है ये भी काफी हैवी ड्यूटी इसके अंदर ये दे रखा है। और मैं आपको इसका फोर व्हील ड्राइव की जो रोड है वो भी दिखा देता हूँ। ये जो फोर व्हील ड्राइव की रोड है दोस्तों, ये कंपनी ने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है, इसके इंजन के अंदर यहाँ पर कटिंग दी है, जिससे कि जो फोर व्हील ड्राइव की रोड है वो इसके अंदर अंदर की तरफ से जाए और ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डीजल टैंक की, तो इसके अंदर आपको किलो के साथ में आने वाला डीजल टैंक ये देखने को मिलता है। डीजल टैंक की अगर कैपेसिटी की मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इसके अंदर आपको 67 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको स्टार्ट करके इसकी एक बार आवाज भी सुनाने की कोशिश करता हूँ। साइलेंट तो मैं इसको नहीं रखा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शार्प है इसकी जो आवाज़ है। और इसके अंदर जो इसका RPM मीटर है, जैसे कि इसको बढ़ाते हैं यहाँ पर आप लोग देखिए, वैसे ही ये बिल्कुल साथ साथ में ही ऑपरेट करता है। जैसे मैं RPM बढ़ा हुआ है यहाँ पर, ये बिल्कुल उसके साथ साथ ऑपरेट करेगा। इंजन भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसका। अब मैं इसका जो है पावर स्टीयरिंग ऑपरेट करके आपको इसकी जो कार्ड है वो दिखाता हूँ, ये आप लोग देखिए। कार बिल्कुल इस तरीके से हो गया है, आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। और मैं इसको काफ़ी इजी जो है ऑपरेट यहाँ पर कर पा रहा हूँ, आप लोग देखिए स्टीयरिंग नॉब है इसके अंदर, जैसे कि डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, तो यहाँ पर इसको ऑपरेट करने में भी कोई आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ये आप लोग देखिए। ये आगे के जो टायर है बिल्कुल इस तरीके से हो चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे वीडियो के अंदर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आगे के टायर हैं इसके, बिल्कुल तरीके से इस तरीके से हो गया है। तो इसकी आपको टर्निंग रेडियस कैसी लगी ट्रैक्टर की, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो नीचे। और इसकी आवाज़ आप लोगों को कैसी लग रही है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना नीचे। तो भाई अब बात अब कर लेते हैं इसके गेयरबॉक्स की, तो इसके अंदर आपको सिंक्रोमाइज गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि 12+12 गेयरबॉक्स है, यानी कि इसके अंदर आपको हाई लो मीडियम का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको सटल शिफ्ट का लीवर मिलता है। सटल शिफ्ट का लीवर आप ये देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में दे रखा है, आगे की हैंडल की बजाय लेफ्ट साइड में दे रखा है, जो कि काफी इजी रहता है जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो टोटल इसके अंदर 12 ही फॉरवर्ड जाने के लिए गियर मिल जाते हैं और 12 ही रिवर्स जाने के लिए गियर देखने को आपको मिल जाते हैं। हाई लो मीडियम गेयरबॉक्स इसके अंदर दिया गया है। और ये सिंक्रोमाइज गेयरबॉक्स है भाइयों, ये इसके अंदर करारो ट्रांसमिशन है, यानी कि जो करारो गियरबॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने इसको मैन्युफैक्चर किया है दोस्तों। अब मैं भाई बात कर लेता हूँ इसकी ड्राइवर सीट की, तो इसके अंदर आपको सुपर डिलक्स ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है, जो कि फुली एडजस्टेबल सीट है, जिसको आगे पीछे काफी इजीली आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो सीट है उसके साथ में सीट बेल्ट भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपको इस श्रेणी के ज्यादातर ट्रैक्टरों में देखने को नहीं मिलती। तो भाइयों इसको ऑपरेट करके भी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं सटल के थ्रू काफी इजी हो जाता है ट्रैक्टर को पीछे और आगे ले जाना। आप देख पा रहे होंगे कोई मैंने गियर नहीं डाला, सीधा मैंने सटल के लीवर को पीछे किया और ट्रैक्टर पीछे जाना स्टार्ट हो गया। और सेम चीज मैं यहाँ पर करूंगा तो ट्रैक्टर आगे जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको सेम गियर के अंदर, जिस भी गियर के ऊपर आप चल रहे हैं, सेम गियर के अंदर आपका ट्रैक्टर आगे और पीछे काफी इजीली चला जाता है, इजी हो जाता है आपको ट्रैक्टर को यूज करना। तो ये बेनिफिट मिलता है भाइयों आपको सटल गियर का। भाई अब बात कर लेते हैं पिछले हिस्से की, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंसिंग के लिए 3 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। इस एडजस्टेबल आपको इसके अंदर हिज मिल जाता है, ऊपर नीचे काफी इजीली आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पीटीओ का लीवर आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी पीटीओ के अंदर मनचाही स्पीड ले सकते हैं। इसके अंदर आपको
डुअल स्पीड पीटीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 540 प्लस 1000 RPM वाली पीटीओ आप ले सकते हैं, या फिर आप मल्टी स्पीड और रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको इसके पीटीओ के अंदर मिल जाते हैं। बात अगर मैं करूं पीछे की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको मिल जाता है। जैसे कि आप ट्रॉली वगैरह में लाइट फिटिंग करना चाहते हैं तो काफी इजिली कर सकते हैं इस सॉकेट के थ्रू। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको डुअल डिस्ट्रीब्यूटर पीछे की तरफ मिल जाते हैं, जिससे कि अगर आप कोई भी प्रेशर इंप्लीमेंट चला रहे हैं या फिर आप रिवर्सिबल प्लाव एमवी प्लाव वगैरह चला रहे हैं तो इजीली चला सकते हैं। कंपनी फिटेड आपको इसके अंदर ये चीज देखने को मिल जाती है। और ये जो कपलर है इसके अंदर, ये कैप के साथ में आते हैं, जिससे कि इसके अंदर धूल वगैरह ना जाए। और इसका जो लीवर है वो आगे की तरफ ही आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ड्राइवर की बिल्कुल रेंज में ही ये आ जाता है। काफी ईजी हो जाता है ड्राइवर को इसको ऑपरेट करना यहाँ पर। और अब बात करेंगे दोस्तों इसके मेन पॉइंट की, यानी कि इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में। उससे पहले आप देख लें इसके अंदर जो लिंकेज हैं, ये भी भाइयों काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी साइज की दे रखी हैं। और यहाँ पर साइड में अगर आप देखेंगे तो जैक सिस्टम प्रॉपर ये दे रखा है, जिससे कि इसकी लिंकेज इधर उधर ना हिले, उसके लिए एडजस्ट करने के लिए ये जैक सिस्टम प्रॉपर दे रखा है। अगर इसकी बात करूंगा मैं लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो इसके अंदर आपको 2400 किलोग्राम की भाइयों लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एडीडीसी टाइप की इसके अंदर हाइड्रोलिक जो है वो मिलती है। अब भाई वो बात कर लेते हैं बाकी सारी चीजों की, यानी कि डायमेंशन एंड वेट की और टर्निंग रेडियस की। तो इसके टोटल वेट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं भाइयों, तो 2530 किलोग्राम के अराउंड आपको इसका जो टोटल वेट है वो देखने को मिलता है। अब मैं भाइयों बात कर लेता हूँ इसके टर्निंग रेडियस की, और आपको दिखा भी देता हूँ इसका टर्निंग रेडियस कितना है। अब भाई वो बात अगर कर रहे हैं इसके टर्निंग रेडियस की, तो यहाँ पर हम बात कर लें तो 3900 mm का टर्निंग रेडियस लेता है ट्रैक्टर घूमने में, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और भाई वो पावर स्टेयरिंग का बेनिफिट आपको आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे, ये मिलता है कि आप जहां पर स्टेयरिंग को टर्न कर देते हैं वहीं पर आपका स्टेयरिंग रहता है, ना इधर होता है ना उधर होता है। उसके लिए एक्यूरेसी आप इस वीडियो में बिल्कुल चेक कर लेंगे कि एक टायर की जो गुड्डी होती है वो एक दूसरे को बिल्कुल टच करके चल रही है, जहां पर पिछला फेरा आया है बिल्कुल एक्यूरेट वहीं चल रहे हैं सारे टायर, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको भाइयों पावर स्टेयरिंग का। अब भाई वो बात इम्प्लीमेंट्स की कर लेते हैं, यानी कि इस ट्रैक्टर के साथ में आप कौन से इम्प्लीमेंट चला सकते हैं। सबसे पहले बात अगर रोटावेटर की हम कर लेते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, ज्यादातर किसान भाई यूज करते हैं, तो इसके ऊपर आप 8 से लेकर 9 फीट का रोटावेटर काफी इजिली चला सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल सोइल की कंडीशन में आपको बता रहा हूं। अगर आपकी हार्ड सोइल है तो वहां पर आपको 7 या 6 फीट का आप रोटर इसके पीछे चला पाएंगे। एक नॉर्मल सोइल के ऊपर आप 8 से लेकर 9 फीट का रोटावेटर इजिली इसके पीछे चला सकते हैं। कल्टीवेटर की मैं बात अगर कर लूं, जिसको कि देसी भाषा में टिलर भी बोला जाता है, तो काफी इजिली आप इसके 11 और 13 और कहीं कहीं पर आप 15 के कल्टीवेटर भी इसके पीछे चला सकते हैं। जहां पर ज्यादा रेतीली मिट्टी है तो वहां पर आप 15 के कल्टीवेटर 15 टाइन के कल्टीवेटर भी काफी इजीली इसके पीछे चला सकते हैं। हार्ड सोइल के ऊपर ये चीज थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर ट्रैक्टर को ज्यादा जो है ताकत लगानी पड़ती है खींचने में, क्योंकि मिट्टी ज्यादा हार्ड हो जाती है। भाइयों अगर इसकी अगर मैं डीजल खपत की भी बात कर लेता हूं, तो एक मीडियम लोड के ऊपर ये 10 से लेकर 11 लीटर के अराउंड ये डीजल खाएगा, जो कि एक मीडियम लोड के ऊपर मैं आपको इसकी डीजल खपत ये बता रहा हूँ भाइयों। तो भाइयों ये जो डीजल खपत है ये एक आपको एवरेज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डीजल खपत एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट और किसान के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उसको किस तरीके से चला रहा है और कौन से इम्प्लीमेंट के ऊपर चला रहा है, तो वो चीज किसान के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये एक अनुमान मैंने आपको बता दिया है इसकी डीजल खपत के बारे में। अब भाइयों बात आ जाती है निकलकर इसकी प्राइस की, यानी कि इस ट्रैक्टर को आप अगर खरीदना चाहते हैं तो किस कीमत के अंदर खरीद पाएंगे। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की प्राइस की, तो इस ट्रैक्टर की अगर मैं प्राइस की बात कर लूं, तो 9.5 लाख से लेकर 10 लाख के अराउंड आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेगी, जो कि स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी डीलर पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो भाइयों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहे।
बार फिर चेक करा दो भाई, हरा ला रहा देखो ਓਫਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 5-25 ਦਾ, ਉਹ 6 ਦਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਛਤਰੀ ਕਨੋਪੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਸਤਾ 60 horsepower ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਵੀਰ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਵਾਂ, ਜਮਾ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਤੇਲ ਤੂਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਨੀ ਹਜੇ ਲਈ ਹੋਣੀ? ਟਰਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ? ਆ ਲਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲਾਓ। ਵੀਰੋ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਈਬਰ ਕਨੋਪੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹਣ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ।